दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल था। 1967 केप टाउन साउथ अफ्रीका के 53 ईयर ओल्ड लुइस वॉस्कोवस्की को डेनिस स्टारवाल जो कि 25 साल की थी से हार्ट मिलता है। लुइस को क्रॉनिक हार्ट डिजीज थी और उनका ऑपरेशन क्रिश्चियन बार्नार्ड केप टाउन में कर रहे थे। उनकी सर्जरी के दौरान उन्हें ड्रग्स दिया गया ताकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और उनका बॉडी एक दूसरे हार्ट को एक्सेप्ट करे, मगर इन ड्रग्स की वजह से उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई थी और 18 दिन बाद उनका देहांत हो गया, पर अंत तक उनका नया दिल बिल्कुल नॉर्मल था। सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि ऐसी ही कहानियां मैं आपके तक और लाऊं।